शेफ, मेरे सवाल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, अलग अलग जी किस्मों के लिए। आजकल एक चीज आ रही है डिजिटल गोल्ड करके, तो जी उसके अंदर क्या होता है कि वो बोलते हैं कि आप खरीदिए ऑनलाइन और वो गोल्ड आपके नाम से एक वॉल्ट में रख दिया जाएगा सेफ में। आपको जब भी वो ऑर्डर करना है तो आप उसको ऑर्डर करिएगा, तो उसके अंदर आपका डिस्पैचिंग चार्जेस और कुछ मेकिंग चार्जेस वगैरह लगेगा और वो आपके घर में पहुंच जाएगा। क्या इस तरीके की चीज में इन्वेस्ट करना जायज है? शेख, शुरू में इनकी गुफ्तगू मैं नहीं सुन सका। गोल्ड के बारे में कोई सवाल कर रहे थे, उसको आप हाँ, प्लीज रिपीट करें। एक सवाल भाई का ये है शेख, के कंपनी डिजिटल गोल्ड की अभी वो निकली है नया, के डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हैं, और जब आप गोल्ड खरीदेंगे ना, तो गोया वो गोल्ड आपका एक सेफ लॉकर में वो लोग रखेंगे, जब आपको चाहिए तब आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं, आपको जो डिस्पैच चार्ज वगैरह लगेगा, डिलीवरी चार्ज वगैरह, वो काट करके वो जो है आपको गोल्ड भेज देंगे आपके घर पे। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो वो आपका सेफ लॉकर में रखा रहेगा गोल्ड। तो क्या इस तरह से इन्वेस्ट करना जायज़ है? गोल्ड का जो बिजनेस है, इसमें कई सारी शर्तों में बेसिक और बुनियादी शर्त ये है कि ये यदम बेयदिन होनी चाहिए। ये हदीस के अल्फाज हैं, यदम बेयदिन। यदम बेयदिन का मतलब एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। इसमें ये नहीं चल सकता है कि मैंने पैसा अभी दे दिया, गोल्ड में बाद में लूंगा। उसी मजलिस के अंदर लेन देन होना चाहिए, तभी जायज है। अगर उधारी हुआ या बाद में देना हुआ तो ये जायज नहीं है। गोल्ड को पैसे से खरीदा जा रहा है तो उसको डिले नहीं किया जा सकता, उसकी डिलीवरी को, ये जायज नहीं है। इसको जो है रेबा कहा जाता है, ये सूद है, ये रेबन नसिया है। तो ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरी बात इसी सवाल के जवाब में ये कि ऐसा जितने लोग भी करते हैं, आम तौर से कई जगह तहकीक के बाद ये पता चला है कि कोई गोल्ड ओल्ड नहीं होता है। ये सब एक धोखा होता है, वहमी चीजें होती हैं, कोई गोल्ड नहीं होता है। अगर आप उससे कहें कि ऐसा है, आपकी कंपनी कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, मैं पैसा लेके आ रहा हूं, ये पैसा लीजिए, मुझे गोल्ड दीजिए, तो शायद हो सकता है वो मना कर दे आपको, कोई गोल्ड नहीं होता है। बहरहाल अगर गोल्ड हकीकत में हो भी, तब भी उसको बाद में लेना, पैसा अभी देना, गोल्ड बाद में लेना, ये जायज नहीं है। और ये कोई इख्तलाफी मसाला नहीं है, ये सराहत के साथ इस सिलसिले में नस के साथ हदीस मौजूद है कि जो है सोने के बिजनेस में यदम बेयदिन होना चाहिए। इसमें तकाबुस शर्त है, बाद में अगर डिलीवरी हो रही है तो ये जायज नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब।